जैन साथियों, मैं जय सेकाउत आज आपके सामने लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क की प्रश्नोत्तरी। हमने पिछली क्लास तीन क्लास के अंदर पढ़ा था टाइम एंड वर्क टॉपिक, जो सबने क्लियर कर लिया होगा मेरे हिसाब से। आज हम पढ़ेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं आर्मी के, चाहे वो GD की भर्ती हो, चाहे वो कलर की भर्ती हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे टेक्निकल हो, सभी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन रखूंगा, आप इनको नोट करते रहना, सभी पेन कॉपी साथ में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जब पूरा सिलेबस हो जाएगा एक बार उसके बाद में और करवाऊंगा। अभी हम जो पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, सभी पेन कॉपी जरूर साथ में लेकर बैठना, रफ कॉपी। और मैं अभी क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आप थोड़ा सा। क्वेश्चन को जब आपके जब क्वेश्चन समझ में आएगा ना, तभी तो उसका आंसर सही समझ में आएगा। जब तक मैथ का रूल है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तो आप रट कर आंसर कर सकते हो, बाकी कोई इलाज नहीं है उस आंसर करने का। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। मैं क्वेश्चन नंबर एक आपके आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर एक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देख के सभी। क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो बताओ वाई अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। देखना सभी विद्यार्थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर एक का आंसर देखना कि एक्स तथा वाई, एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बता रहे हैं कि जबकि वाई जो है वो अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है, 12 घंटे में कर सकता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सॉरी, एक्स अकेला वाई 12 घंटे में कर सकता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वाई अकेला उसको कितने समय में कर देगा। तो देखो, सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे इनका समय लिखा जाता है, इसके बाद में बीच में इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी आएगी, सबसे ऊपर इनका काम आएगा। तो 8 और 12 से कटने वाली कोई भी संख्या आप एक बार मान लीजिए, जैसे कि 24 है, 24 इनको काम करना है। मैं कह सकता हूँ 24 काम को ये 8 घंटे में कर सकते हैं, तो इसकी स्पीड कितने की हुई, 3 काम प्रति घंटा। और इसकी जो रफ्तार हुई है एक्स की, वो कितनी की हुई है, 12 × 24, 2 का भाग दोगे तो 2 काम प्रति घंटा। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि बताइए मेरे को कि वाई अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। मैंने कल पिछली क्लास के अंदर आपको समझाया था कि जिसका भी आपको समय पूछा गया है, पहले उसकी कार्य क्षमता आपको मालूम होनी चाहिए। हमारे पास कार्य क्षमता एक्स और वाई की है, हमारे पास कार्य क्षमता एक्स की है, लेकिन हमारे पास वाई की नहीं है, तो हमें पहले वाई की कार्य क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखना। हम पहले आइडिया लगाते हैं कि एक्स और वाई दोनों मिलकर रोज 3 काम करते हैं प्रति घंटा। तो एक्स बोल रहा है मैं तो अकेला 2 काम करता हूँ, तो वाई कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर इससे आ जाता है तो ठीक है, नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स का मान 2 बता रखा है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वाई बराबर 3 - 2, यानी कि 1 काम प्रति घंटा। तो मैं कह सकता हूँ y को जो समय लगेगा, समय बराबर आपको पढ़ाया था मैंने, सबको याद होगा, काम बटा कार्य क्षमता एफिशिएंसी। तो काम कितना है, 24, और कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो मैं कह सकता हूँ कि y जो अकेला है उस काम को 24 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन को सभी देखना एक बार वापिस ढंग से समझना, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ से वापस बताइए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। सबका आंसर आ गया होगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। सब इनको नोट करते रहना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी पढ़िए, आपके सामने आ गया कि राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान में रखना आपको दिया क्या गया है, जैसे राम और अब की बार रतन दे दिया कि राम और रतन किसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, तो 12 लिख लिया यहाँ पर। फिर आगे वाली लाइन पढ़िए कि रतन और सुधीर उसे 8 दिन में कर सकते हैं। रतन और सुधीर, रतन प्लस सुधीर जो है उसे 8 दिन में कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन दे रखा है आगे कि सुधीर तथा राम उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सुधीर और राम की बात हो रही है कि सुधीर और राम उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से अब की बार क्या हुआ कि दोनों डबल साथ में काम करते हैं, ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन लगता है, ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 8 दिन लगता है, ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 15 दिन लगता है। आपको यहाँ से क्या करना है कि 12, 8 और 15 से कटने वाली संख्या सोचे कोई भी। तो यहाँ से अगर दिमाग में नहीं आती है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि LCM ले लेना। LCM का तरीका क्या बताया था, 12, 8 और 15, वैसे 120 हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिसको समझ में नहीं आता है LCM लेना।
तीन का भाग जाएगा कितनी बार? चार बार। तीन का भाग जाएगा नहीं, तीन का भाग कितनी बार जाएगा? पांच बार। फिर चार का भाग जाएगा एक बार, दो बार, फिर पांच बार, फिर दो का जाएगा, फिर पांच का जाएगा। तो पाँच दूनी दस, दस चार चालीस, चालीस तीन 120। तो मैं कह सकता हूँ टोटल काम कितना हुआ? 120। अब यहाँ से मैंने अभी बताया था ये सबका समय है, हमें कार्य क्षमता मालूम होनी चाहिए। अगर कार्य क्षमता नहीं मालूम है तो हम काम कितने समय में पूछ रहे हैं वो नहीं बता सकते। तो 12 का भाग 120 में देंगे तो इनकी कार्य क्षमता आएगी 10। 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। और 15 का भाग देंगे तो कितनी आएगी? 8। तीनों की यहाँ से कार्य क्षमता आ जाएगी। अब हमें मालूम है कि जब तीनों देखो इनकी कार्य क्षमता को ऐड करो आप, कि पहले काम पर आ रहा है राम प्लस रतन, फिर आ रहा है रतन प्लस सुधीर, फिर आ रहा है सुधीर और राम, सुधीर और राम। तो ये सब डबल डबल बार काम पे आ रहे हैं। तो काम कितना हो रहा है? 10 प्लस 15 प्लस में कितना? 8। 15 और 8 23 और 10 33। मैं कह सकता हूँ टोटल काम कितना हुआ? 33। ये 33 काम रोज़ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए सभी डबल डबल बार आ रहा है। देखो राम दो बार आ गया, सुधीर दो बार आ गया, रतन दो बार आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यदि सब डबल डबल बार काम करते हैं तो रोज़ 33 काम करते हैं। यदि सभी सिंगल बार काम करेंगे तो राम प्लस रतन प्लस सुधीर सिंगल सिंगल काम करेंगे तो इनका आधा काम ही होगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ 33 बट्टा दो काम होगा। ये तीनों की कार्य क्षमता एक साथ आ गई। अब क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। यहाँ से देखो वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि बताइए राम अकेला कितने दिन में कर सकता है, यहाँ से वो पूछ सकता है कि रतन अकेला कितने दिन में कर सकता है, या पूछ सकता है सुधीर कितने दिन में कर देगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आप आर्मी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा भावुक जल्दी हो जाते हो, भावुक नहीं होना आपको। यहाँ से देखना सबसे पहले पूछा क्या गया, अगर वो राम का समय पूछ रहा है तो क्वेश्चन से रतन और सुधीर की कार्य क्षमता का मान यहाँ से रख दीजिए। यदि वो रतन की पूछ रहा है तो राम और सुधीर की रख दीजिए यहाँ से 8। यदि वो सुधीर की पूछ रहा है तो राम और रतन की कार्य क्षमता का मान यहाँ से रख दीजिए 10। अब क्वेश्चन को पढ़ो, लास्ट में क्या पूछ रहा है आपको कि बताओ कि राम अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। तो राम का जब पूछ रहे हो आपको तो यहाँ से मान किसका रख दोगे? रतन और सुधीर का। रतन और सुधीर का कितना है? 15। तो मैं कह सकता हूँ राम बराबर आ जाएगा, राम प्लस 15 बराबर में आ जाएगा 33 बट्टा 2। तो राम की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितने आएगी? 33 बट्टा 2 माइनस कितना करोगे? 15। देखो सीधा माइनस कर देते हो कि 33 में जब 2 का भाग देंगे तो 16.5 आएगा, उसमें से 15 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। अगर यहाँ से सीधा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 15 दूनी 30, 33 में से 30 माइनस किया 3 बट्टा में कितना? 2। राम की कार्य क्षमता आ गई। अगर आपको वो राम का समय पूछ रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कि राम का जब वो समय पूछ रहा है तो आप लिख सकते हो कि कुल काम कितना? 120। राम की जो काम करने की स्पीड है वो 3 बट्टा 2। अब बट्टा 2 है वो कहाँ जाएगा? ऊपर या यहीं पे गुणा हो जाएगा? अब वो बट्टा वाला 2 ऊपर जाएगा। इसका नियम मैं आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा तो इसका नियम बताऊंगा कि बट्टे वाली संख्या कभी तो नीचे ही रह जाती है और कभी ऊपर चले जाती है, इसका क्या नियम है। तो मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बट्टे वाला 2 ऊपर चला गया, 3 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। 40 को 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 80 दिन। कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन के अंदर कर सकता है। सबको समझ में आ गया होगा, एक बार क्वेश्चन को वापस देखना, साथ में इनको नोट करते रहना आंसर को, ताकि आप जब खुद मिला हो तो आपको आंसर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा नहीं है, ये थोड़े नाम थे इनके तो मैंने सभी नाम लिखे तो आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अच्छा तरीका है, मैंने आपको समझा दिया सबको एक ही तरीके से, मैं सभी के आंसर बता रहा हूँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए कि ए और बी ए काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए सभी सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ए और बी किसी काम को, सेम क्वेश्चन है केवल संख्या बदली है, तो जिसको कम समझ में आया वो यहाँ पर वापस देखे एक बार कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि बी और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर बता रहा है कि सी और ए उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। फिर वही काम,
10, 15 और 20 से कटने वाली कोई भी एक संख्या सोचिए या एलसीएम ले लीजिए इनका। देखो इनसे कटने वाली जो संख्या है वो सीधी सी दिख रही है हमें कि 60 है, हालांकि 120 भी है, 120 थोड़ी बड़ी है। हम जितना ज़्यादा हम छोटी संख्या दिमाग में लेते हैं तो कैलकुलेशन उतनी ईजी रहती है। जैसे कि मैंने सोचा कि 60 है, इनका काम 60 मान लिया। मैंने पहले दिन की क्लास में बोला था, आप कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, उन्होंने जब पहली क्लास नहीं ली है वो आज की क्लास ही ले रहे हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 60 क्यों माना आपने। मैं फिर बता देता हूँ, आप 60 की जगह कितना भी मान सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 की जगह आप 55 भी मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 55 में इनका भाग नहीं जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। फिर आप जितना आर्मी में समय मिलता है 1 घंटे का, उतने में ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, आपका पेपर छूट जाएगा और आप पास नहीं हो पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन को जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाना है। 10 का भाग देंगे 6 बार, 15 का भाग देंगे 4 बार, 20 का भाग देंगे 3 बार, ठीक है। वापस देखो, 10 का भाग 6 बार गया, 15 का 4 बार गया, 20 का भाग 3 बार गया। ये इनकी कार्य क्षमता हो गई, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब हमें क्या करना है, वही काम, इनकी जोड़ना है कार्य क्षमता। जब तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे, तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो आएगी 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3। तो यहाँ से फिर वही बात, ए डबल बार है, सी डबल बार है और बी भी डबल बार। मैं कह सकता हूँ तीनों डबल बार काम करते हैं तो 13 काम करते हैं, जब सिंगल बार काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 13/2, 13/2 हो गया 2, आधा ही काम हो गया इसका। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए सी अकेला कितने समय में कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ जब सी का आपको पूछा गया है तो ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन से रख दीजिए। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 10 नहीं है, ध्यान रखना 10 मत रख देना, गलत हो जाएगा आंसर। कार्य क्षमता की बात हो रही है तो कितनी रखोगे, 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 + c = 13/2, तो सी की वैल्यू आएगी 13/2 - 6, 6 × 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1/2। सी की जो काम करने की स्पीड है वो कितनी आएगी, 1/2। सी की जब कार्य क्षमता 1/2 आई तो सी को जो काम करने में समय लगेगा वो लगेगा 60/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ सी को जो समय लगेगा वो 120 दिन लगेगा। समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को नोट करते रहना साथ में। आपको एक बार जब समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप 2 साल बाद भी अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके दिमाग से ये तरीका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको समझा दिया सबको। क्वेश्चन नंबर 3 शायद उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया होगा, देखना, पढ़िए सभी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे उस काम को बारी बारी से करें। और काम को शुरू कौन कर रहा है, ए काम को शुरू करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन, जो संख्याएं चेंज थी, मैंने बारी बारी वाला क्वेश्चन आपको समझाया भी था कि जब बारी बारी वाले की बात होती है तो क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दोगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी बारी बारी से कार्य करते हैं, ए 8 घंटे में, बी 16 घंटे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए बी, ए 8 घंटे में, बी 16 घंटे में, ठीक है। कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 16 ही हो जाएगी। उसके बाद में 8 से कटेगा 2 बार, 16 से कटेगा 1 बार, यहाँ तक का मरना काम हो गया। ये तो मैंने बताया था सभी क्वेश्चनों में करना है, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही ईजी आ जाए चाहे कितना ही हार्ड आ जाए। इतना काम करने के बाद क्वेश्चन को देखा कि बारी बारी वाला है और काम करने कौन आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब ए काम शुरू करता है, ए पहले दिन आता है काम करने तो 2 काम करके चला जाता है। दूसरे दिन फिर बी की बात होती है तो बी 1 दिन में ए काम करके चला जाता है। तो यहाँ से पता चला कि 2 ही दिन में टोटल कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। 2 ही दिन में काम कितना हुआ, 3 काम। हमें काम करना कितना था, हमें काम करना था 16। अब 3 से 16 करना आपको, तो मैंने आपको बताया था कि 3 को ऐसी संख्या से मल्टीपल कीजिए, गुणा कीजिए कि या तो 16 हो जाए पूरा पूरा, अगर 16 नहीं होता है तो 16 के नज़दीक पहुंच जाए, ऐसी संख्या से गुणा कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ किससे गुणा करोगे, 5 से। जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। और अब काम कितना बाकी रह गया, 1 काम। अब 1 काम को करने कौन आएगा,
वापिस एक जो शुरू करता है वही वापिस काम करने आता है, तो ए करने आएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, दो काम करता है, काम तो एक ही है, तो मैं कह सकता हूँ इसको आधा दिन एक भट्टा में कितना आएगा, दो, तो आधा दिन ही लगेगा, तो कुल 16 काम को होने में कितना समय लगा होगा, 10 और आधा मैं कह सकता हूँ 10.5 दिन, कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा होगा, 10.5 दिन, सबको समझ में आ गया होगा, 10 सही 1/2, वापिस देखिए एक बार, 8 और 16 से कटने वाली संख्या 16, 8 का भाग 2 बार, 16 का 1 बार, पहले काम शुरू ए कर रहा है, ए एक दिन में 2 करता है, फिर बी आएगा 1 करेगा, दोनों 2 दिन में 3 काम करेंगे, 3 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 16 हो जाए, तो 16 तो होगा नहीं, 5 से गुणा कर दिया तो सीधा 15 हो गया, 15 इधर भी 5 से गया तो 10, 10 दिन में 15 काम हो गया, एक काम बाकी है, वापस कौन आएगा काम करने, ए आएगा, ए एक दिन में 2 काम करता है लेकिन काम तो एक ही है बाकी, तो मैं कह सकता हूँ इसको आधा दिन अर्थात 1/2 में कौन आ जाएगा, 2, 1/2 दिन और लगेगा, तो सबका आंसर आ गया होगा 10.5 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों काम को मिलकर करते हैं लेकिन बी उस काम को 5 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, इसी प्रकार कार्य को समाप्त होने में कितने दिन में पूरा हुआ, काम छोड़कर बी चला गया, दोनों 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, देखो ए किसी काम को बोल रहा है कि 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30, 15 का भाग 2 बार, 10 का भाग 3 बार, यहाँ तक का काम हो गया, अब बता रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो रोज़ कितना काम करेंगे, 5 काम, वो बता रहा है दोनों मिलकर करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद भी काम छोड़कर चला जाता है, तो मैं कह सकता हूँ 5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर ही किया था काम, ए ने तो अभी तक छोड़ा ही नहीं और बी छोड़कर चला जाता है 5 दिन बाद, तो मैं कह सकता हूँ 5 ही दिन काम किया था दोनों ने मिलकर, तो देखो दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया था और दोनों की स्पीड कितने की है, 5 की, तो मैं कह सकता हूँ दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर दिया, 25 काम हो चुका है, अब बी छोड़कर चला जाता है, ध्यान से सुनना, 25 काम तो हो चुका जब बी गया तब की बात है, और अब 25 काम होने के बाद 5 काम बाकी है, 30 काम टोटल था, 25 हो चुका, शेष काम जो है रिमाइंडिंग रख वो कितना है, 5, उस काम को ए करेगा तो ए का समय आपको पूछ रहे हैं, तो 5 काम को ए की स्पीड कितने की है, 2 की, तो मैं कह सकता हूँ 2 सही 1/2 दिन। यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना, आप दोनों ही आंसर ऑप्शन में होंगे, आप क्वेश्चन को करने के बाद भी आंसर गलत कर दोगे, क्यों कैसे कर दोगे गलत, देखना आपको पूछा गया है क्वेश्चन की कुल कितना समय लगा, या पूछ सकते हैं कि बचे हुए काम को करने में ए कितना समय लेगा, तो यदि आपको बचे हुए काम को ए कितना समय लेगा ये पूछ रहा है तो 2.5 दिन का, 2 से 1/2 दिन का समय लगेगा, यदि आपको पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगा तो मैं कह सकता हूँ 5 दिन तो दोनों ने मिलकर किया था और 2 से 1/2 दिन ए अकेले ने किया था, अर्थात 7 सही 1/2 दिन का समय लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है आज की क्लास ले रहे हैं वो ध्यान रखना, इससे पहले कि 3 क्लास हो चुकी टाइम एंड वर्क की, उस क्लास का स्पेशल ध्यान, उस क्लास को स्पेशल आप देख लेना, इसके बाद में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ध्यान रखना, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 सभी पढ़िए, आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो बताओ काम समाप्त कब हुआ था। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको एक परसों की जो क्लास हुई थी अपनी उसमें पढ़ाया था कि इस बात में यहाँ पर इस 2 तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताया था, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया था तो मैंने 2 तरीके बताए थे, पहला जो मेथड था वो माइनस करने वाला था कि जो काम करता रहे जितना काम हो गया माइनस कर दो, लेकिन सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था कि जो व्यक्ति काम शुरू होते ही काम छोड़ देता है, काम शुरू जैसे कि
एग्जाम्पल ही सुनना, मैंने काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर दो व्यक्तियों ने काम शुरू किया, और मैं बोलूं कि काम शुरू होने के दो दिन बाद, क्वेश्चन में नाम आ रहा है कि शुरू होने के दो दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शुरू होते ही काम छोड़ देता है, उसका काम आपको क्या करना है, माइनस करना है। तथा जो आपको काम समाप्त होने पर काम छोड़ता है, काम समाप्त होने पर यदि कोई काम छोड़ता है तो उसका काम आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ोगे तो आपको बताया गया है कि कार्य समाप्त होने से, तो समाप्त होने का नाम आ गया तो आपको समझना है जितना काम बाकी रह गया वो आपको जोड़ना है, फिर उसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। 14 और 21 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी मित्रों? 14 और 21 से कटने वाली संख्या होगी 42। 14 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब बता रहा है कि क्वेश्चन दोनों ने मिलकर, क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, तो मैं बोल सकता हूँ मिलकर रोज कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। देखो टोटल काम कितना है, 42, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, समाप्त होने पर छोड़ा है कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। एक की स्पीड कितने की थी, 3 की, मैं कह सकता हूँ अगर ये छोड़ता नहीं तो 3 की स्पीड से 3 दिन में कितना काम करता, 9 काम और करता, कितना काम करता, 9 काम। तो मैं कह सकता हूँ टोटल समाप्त होने की बात हुई है तो क्या होगा, प्लस, तो टोटल काम कितना हो गया, 51। टोटल काम हो गया 51, दोनों मिलकर करते हैं तो रोज 5 काम करते हैं, तो कुल कार्य को समाप्त होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 51 बट्टा में कितना, 5, 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 सही 1/5 दिन। कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा होगा, 10 सही 1/5 दिन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। वापस देखना, आप सोचोगे कि सर पहले वाला तो आंसर नहीं आया, पहले वाले तरीके से तो आपने नहीं बताया, इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। वो बता रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, पहले वाले में तो क्या हुआ था कि वो बीच में छोड़कर चला गया था, बचे हुए काम को दूसरा कर रहा था, वो आपको बताया गया था, लेकिन इसमें आपको बता रहा है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो 3 दिन हो गया, एक की स्पीड भी 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। मैंने जोड़ा क्यों है, क्योंकि समाप्त होने पर छोड़ा है, अगर ये शुरू होते ही छोड़ देता तो मैं इसका माइनस करता और फिर भाग दे देता 51 के अंदर। ध्यान रखना, जोड़ने के बाद भाग जो लगेगा वो दोनों की कार्य क्षमता का लगेगा, यदि घटाते हम तो जिसका काम घटाते उसका तो जो खाता है वो भी क्लोज हो जाता है, तो बचे हुए की कार्य क्षमता का भाग लगाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्पेशल आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सभी पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि ए काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बताओ बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सभी, कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। बी की बात नहीं कर रहा है वो, फिर बता रहा है कि बी जो है वो ऐसे काम करने में 50% अधिक दक्ष है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर ए 100% काम करता है तो बी 50 नहीं करेगा, बी 150 करेगा। अधिक की बात होती है तो 100 + 50 होता है 150। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार। मैं कह सकता हूँ कि ए 9 दिन के अंदर 2 की स्पीड से काम करेगा तो कितना काम करेगा, 18 काम। कितना काम होगा, 18 काम। अब मैं बोल सकता हूँ कि आपको पूछा गया है कि बताइए बी को कितना समय लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, काम बट्टा कार्य क्षमता। काम कितना है, 18, कार्य क्षमता कितनी है, 3। 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 6 दिन। सबको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। वापस देखिए, 9 से कटने वाली संख्या इधर है नहीं तो नई आइडिया लगाया, कार्य क्षमता दे रखी है, अब की बार इसकी 100 है तो इसकी 150 है, 0 से 0 कर जाएगा, 5 से 2 बार 3 बार, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 में 3 का भाग दोगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट 6 दिन निकल कर। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 4 पुरुष या 6 लड़के। देखो 4 आदमियों को काम पे लगा दो चाहे 6 लड़कों को लगा दो, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 20 दिन में। वापस देखिए कि 4 आदमी
या फिर 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, दोनों को अलग अलग लिख दिया कि 4 आदमियों को लगा दो चाहे 6 बच्चों को लगा दो, काम कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, आपको पहले वाली क्लास के अंदर समझाया था कि यदि दोनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 आदमी काम पे लगा दो चाहे 6 बच्चे लगा दो, बराबर काम होगा। और बराबर होगा तो देखो, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, एक आदमी बराबर कितना होगा? 3/2 ही बोए। एक आदमी बराबर कितने बोए हो गए? 3/2 बोए। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को और थोड़ा सरल बनाइए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपको कि बताइए 6 आदमी और 11 लड़के, 6 आदमी और 11 लड़के उस काम को कितने समय में कर देंगे? 6 आदमी और 11 लड़के। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको किसी एक में बदलो, चाहे तो आदमियों में बदलो चाहे लड़कों में बदलिए, आपका आंसर तभी आएगा। तो देखो, 6 आदमियों की जगह में एक आदमी बराबर 3/2 बोए होते हैं, तो 6 आदमियों की 6 × 3/2, 2 से कटेगा 3 बार, कितने मेन हो गए? 9 प्लस में, सॉरी कितने बोए हो गए? 9 बोए प्लस में 11 बोए। क्वेश्चन बन गया कि 20 बोए उस काम को कितने दिन में कर देंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल कर लिया कि 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक दिन का काम निकालिए आप दोनों में, अगर आदमियों में बदलते हो तो आदमियों का निकाल लो, बच्चों में बदल रहे हो तो बच्चों का निकाल लीजिए। तो अगर हमने यहाँ पर बच्चों में बदला है तो मैं कह सकता हूँ 6 बॉय रोज काम पर आते हैं तो 20 दिन लगते हैं, 120 बॉय यदि काम पर आएंगे एक साथ तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 1 दिन में। यानी कि मैं कह सकता हूँ वो पूरा जो टेंडर है काम का वो 120 बच्चों के काम करने का है, 120 बच्चे एक साथ काम करेंगे तो वो काम को एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि मैं कितने बच्चे लगाऊंगा? 20 बच्चों से काम करवाऊंगा, तो 20 बच्चे से वो काम कराएगा तो कितना समय लगेगा? 120/20 यानी कि मैं कह सकता हूँ 6 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे आरबी कलर्क 2014 के अंदर, कि इसमें मैंने संख्या थोड़ी सी बदली है। एजिट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, यहाँ पर 20 नहीं था, शायद 24 था इन्हीं की जगह, और सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सभी पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष अथवा का मतलब होता है कि इनको लगा दो चाहे महिलाओं को लगा दो, काम पे काम बराबर हो रहे हैं, कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती है, कि 5 आदमियों को काम पे लगा दो चाहे 8 महिलाओं को काम पे लगा दो, काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। ये भी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मैं कह सकता हूँ कि 5 आदमियों से काम करवाओ चाहे 8 औरतों से कराओ, काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 आदमियों के बराबर 8 औरतें काम करती है, तो एक आदमी बराबर 8/5 औरतें काम करेगी। यहाँ से एक आदमी का काम निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या है कि तो बताइए मेरे को, 2 आदमी और 4 औरतें, 2 आदमी और 4 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी? तो 2 आदमी, एक आदमी की जगह कितने हैं? 8/5, तो 2 की जगह 2 × 8/5 औरत प्लस में 4 औरत, 5 से कटेगा नहीं, तो 8 × 16/5 कितना हो गया? 5 प्लस में कितना? 4। तो मैं कह सकता हूँ 5 × 20 = 36/5 औरत उस काम को कितने दिन में कर सकती है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट में बनकर आया। अब हम क्या करेंगे, 36/5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? यदि 8 औरतें उस काम को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। तो मैं कह सकता हूँ 8 × 12 औरत उस काम को कितने दिन में करेगी? एक दिन का काम निकाल लिया यहाँ पर। अब हमें पूछ रहा है कि यदि एक दिन में नहीं करवाना, 36/5 औरतों को काम पे लगाना है तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर 8 × 12 में भाग किसका लगाओगे? 36/5 में जो है 5 वो ऊपर चला जाएगा, तो 12 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, 8 × 5 40/3, 3 का भाग जाएगा 13 बार, बच गया कितना? 1। तो आंसर आएगा 13 सही 1/3 दिन। हमारा जो फाइनली आंसर निकल कर आया वो कितना आया? 13 सही 1/3। इसलिए इससे जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया था हमने वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, केवल उसमें संख्या का फर्क था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सभी फटिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो MDH फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जो समझाया था कि MDH जो फॉर्मूला होता है,
MDH जो फॉर्मूला है वो क्या है कि इसमें दो ग्रुप की बात होगी हमेशा, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की, ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो दिया गया है वही बातें सेम सेकंड में आपको मिलेगी। बस शर्त ये है कि इसमें से कोई दोनों में से एक बात आपको नहीं बताई गई होगी, वो आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इधर M1D1 आया तो इधर क्या आएगा M2D2, इधर H1 भी आया तो इधर भी H2 आएगा, इधर W1 भी आया तो इधर भी क्या आएगा W2 आएगा। ये बस बात का ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन इतना भी हो सकता है, क्वेश्चन तीनों का भी हो सकता है, क्वेश्चन चारों का भी हो सकता है, एक साथ क्वेश्चन इन तीन का भी हो सकता है। तो इधर भी देखो ये दो दे रखा है तो इधर भी ये दो ही आएगा, इधर तीनों की बात हो रही है तो इधर भी तीनों की बात होगी, इधर चारों की बात हो रही है तो इधर भी चारों की बात होगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन दे पढ़ना सभी कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 18 मजदूर लगाए जाए तो 5 दिन में पूरा करवाना हो तो कितने घंटे रोज कार्य करेंगे। पढ़ लिया सब ने? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर MDS की बात हुई, तो मैं कह सकता हूँ M1D1H1 आएगा तो इधर भी क्या आएगा M2D2 और H2। टोटल वैल्यू यहाँ पर पुट अप करता हूँ, टोटल वैल्यू कौन कौन सी, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 15 मजदूर 6 घंटे, तो 15 मजदूर 6 घंटे कितने दिन में कर रहे हैं, आपको दे रखा है 10 दिन तो 10 लिख दो। फिर आपको दे रखा है 18 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में, तो पूछ रहे हैं कि वो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे, तो यहाँ से एच का मतलब हाउर से यानी कितने घंटे कार्य करेंगे वो हमें ज्ञात करना है। मैं कह सकता हूँ सबसे पहले 6 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 15 कटेगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा उनको, 10 घंटे कार्य करना होगा। समझ में आ गया होगा सबको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की 4-5 लाइन देकर आप क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हो कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आ गया, जबकि क्वेश्चन जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उससे भी सरल है, हमने इसको लास्ट 30 सेकंड के अंदर सरल कर लिया, 30 सेकंड में आपको समझा भी दिया, बता भी बोल कर बता दिया टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है, सेम वही क्वेश्चन है पढ़ रहा हूँ मैं। 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 24 व्यक्ति, तो M1D1H1 बराबर में M2D2 और H2 आएगा, 24 व्यक्ति तो 24 × टोटल वैल्यू रख दो क्वेश्चन को पढ़कर, 8 घंटे कार्य करते हुए 18 दिन में कर सकते हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं, सॉरी 10 दिन दे रखा होगा, 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ मेरे को 36 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करते हुए, 36 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखना दोस्तों यहाँ पर जो 10 दे रखे, मैंने 10 बोला था, इसकी जगह 18 है, इसकी जगह कितना है 18, दोनों से ही आंसर आ जाएगा ध्यान रखना, लेकिन आपकी क्वेश्चन में जो है वो 18 दे रखा है, टाइपिंग से नहीं हुई है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 18 से 36 कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, 12 से 24 कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा कितना 8 दिन। मैं कह सकता हूँ इसका जो फाइनली आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 8 दिन। एजिट क्वेश्चन था, सेम टू सेम, केवल संख्या का ही फर्क था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ, एक टॉपिक और है इससे मिलता जुलता, हमने जो टॉपिक पढ़ा है 5 टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, तो टाइम और वर्क की हम बात करते हैं, उससे साथ में एक टॉपिक और है पाइप और टंकी, हमने पढ़ा नहीं है अभी तक पाइप और टंकी। जो पाइप और टंकी चैप्टर है सेम टाइम एंड वर्क है, मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे जब हम टाइम एंड वर्क की क्लास पढ़ रहे थे। पाइप और टंकी और टाइम एंड वर्क में कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है। देखो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट टाइम एंड वर्क का कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को, ए 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकती है, तो 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30, 10 का भाग 3 बार, 15 का 2 बार, दोनों मिलकर करेंगे तो 30/5 आंसर कितना आएगा 6 दिन। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
भी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन में पाइप और टंकी में बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनना सभी, कि पाइप एक टंकी से दो पाइप जुड़े हुए हैं, पाइप ए टंकी को 10 दिन में भर सकता है, बी 15 दिन में भर सकता है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 6 दिन। यही तरीका होगा, मैंने पहले भी बताया था, ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये पूरे अंगणित के अंदर कम से कम 5-6 टॉपिक के अंदर काम करेगा, कम से कम 5-6 टॉपिक में, वैसे हम एक एक ही नियम लगाए तो सभी टॉपिक में काम कर सकता है, लेकिन इजी सबसे ज्यादा इन दो टॉपिक में रहेगा। पाइप टंकी में एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाइप खाली करने वाला तो नहीं है, अगर यही पाइप खाली करने वाला हो जाता तो यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता माइनस में हो जाती, दोनों मिलकर रोज कितना पानी भरते, 1 लीटर, तो 1/30 में देते तो 30 आता, अगर दोनों ही भरने वाले हैं तो कितना आता है यहाँ पर, 5 आता, तो आंसर कितना बनता, 6। बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। पाइप टंकी के अंदर पानी नल जो है वो टंकी को भर रहा है तो कहीं नल खुला है या बंद है ये ध्यान में रखना, आपको दोनों भरने वाले नल है या दोनों खाली करने वाले है, या एक भरने वाला है या खाली करने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, भरने की जगह खाली पढ़ लेते हैं, खाली की जगह भरा हुआ पढ़ लेते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, आंसर करते हैं ऑप्शन में मिल जाता है और हमारा आंसर वहाँ पर घर आकर देखते हैं तो गलत हो जाता है वो क्वेश्चन। ध्यान रखना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, खाली करने वाला है या भरने वाला है, मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ, भरने वाले का तो बता दिया आपको, खाली करने वाला क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप सभी, 12 नंबर क्वेश्चन सभी पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि एक टंकी से दो नल जुड़े हुए हैं, मान लो ए और बी है, पाइप ए है वो टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है, ध्यान रखना भरने वाले को आप पॉजिटिव दर्शा देना, अगर आपको बता रखा है खाली करने वाला, दूसरा नल बी है वो खाली करने वाला है, दिमाग में रखना माइनस वाला है, खाली कर रहा है कितने में, 50 मिनट में, 50 मिनट में खाली कर देता है, तो सेम तरीका लगाओ, 25 और 50 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 50, 25 से कटेगी दो बार, 50 से कटेगी एक बार, एक किसका होगा, माइनस का, ध्यान से सुनना वापिस, 25 मिनट में भर सकता है और 50 मिनट में क्या कर रहे हैं, खाली कर देते हैं, वापिस सुनना, 50 मिनट में खाली कर देते हैं तो कार्य क्षमता किसकी होगी, माइनस की, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना पानी भरा जाएगा, 1 न कि 3, एक ही भरा जाएगा, तो पूछ रहा है कि 50 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 50/1 की स्पीड से भरा जा रहा है, तो 50 मिनट में है तो मिनट कर दो, घंटे में है तो घंटे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 50 मिनट। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, चेंज कर रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दो पाइप है एक टंकी से जुड़े ए और बी, नल ए एक टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है, तो किससे दर्शा दोगे, माइनस से, पूछ रहा है कि नल बी है वो टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में भर सकता है, 50 मिनट में, ध्यान से सुनना सभी, यहाँ से इसका आंसर करेंगे, 25 का भाग 50 में दो बार, लेकिन दो किसका आएगा, माइनस का, फिर बोला जाएगा 50 का भाग 50 में दोगे तो कितना, एक बार, भरने वाला है तो किसका आएगा, प्लस का। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, सीधी सी बात है, आपको बोला गया कि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अब आपको मालूम है कि टंकी में पानी तो 1 लीटर भरा जा रहा है, खाली दो रहा है, तो टंकी में पानी ही नहीं है तो खाली कहाँ से होगा, तो इसका आंसर नहीं बताओगे, ध्यान रखना आप यदि इसका आंसर 50/1 खाली हो जाएगी कितने में, 50 मिनट में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप सोचोगे सर भरने वाले में तो सही था, भरने वाले में सही था, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि पूरी टंकी भरी हुई है फिर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, तो आंसर खाली होने में तो आंसर 50 मिनट आएगा, लेकिन आप शुरू में ही दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी होगी नहीं, पानी तो अंदर जा ही नहीं रहा, एक भर रहा है तो दो खाली हो रहा है, तो आंसर ध्यान रखना 50 मिनट आंसर गलत हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ही चेंज है लैंग्वेज के अंदर, मैंने 25 को इधर किया है 50 को इधर किया है और कुछ भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखना, सेम क्वेश्चन और करवा रहा हूँ एक बार ताकि आपका क्वेश्चन मजबूत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टंकी से दो नलियाँ जुड़ी हुई है, एक 10 घंटे में और एक 12 घंटे में भरती है, एक तो 10 घंटे में भरती है, मान लो ए है वो 10 घंटे में भरती है तो बी 12 घंटे में भरती है, तो
12 प्लस का आएगा दोनों का, फिर आपको क्या बता रहा है क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा। क्वेश्चन में दे रहा है जबकि एक तीसरी नल है वो 20 घंटे में क्या कर रही है, खाली कर देती है। तीसरा 20 घंटे में खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से दर्शा दिया, 20 लिख दिया। अब यहाँ से 10, 12 और 20 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 10, 12 और 20 का एलसीएम ले लो, लघुतम लोगे तो कितना आएगा, 60। 10 का भाग दोगे 6 बार, 12 का दोगे तो 5 बार, 20 का भाग दोगे तो 3 बार, लेकिन 3 किसका आएगा, माइनस का। अब ध्यान से सुनना, आपको देर का तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ खोलोगे तो 11 भरेगा, उसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, तो कितना ही भरा, 8 लीटर प्रति घंटे या प्रति दिन। आपको यदि घंटे में देर का है तो घंटे कर दो, दिन में देर का है तो दिन कर दो, 8 लीटर प्रति घंटे भरेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन को पढ़ेगा सभी, पूछ रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो मैं कह सकता हूँ टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 60 बटा 8 घंटे। अब देखो 8 से काटना है, 8 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 घंटे बच गया कितना, 4 बटा 8, यानी कि मैं 7.5 घंटे बोल सकता हूँ, या फिर इसको मिनट में चेंज करने के लिए गुणा किससे कर दूँ, 60 से, तो 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 30 बार, तो 7 घंटे 30 मिनट। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 घंटे 30 मिनट या फिर 7.5 घंटे। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना दोनों भरने वाला है तो प्लस दर्शा देना, दोनों खाली करने वाला है तो माइनस दर्शाना है, यदि एक खाली करने वाला है तो उसको माइनस दर्शा देना, चाहे वो 3 नल जुड़े हुए चाहे 4 नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना सभी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 13 को सभी एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेगा सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 आदमी 14 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही MDH फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, M1D1H1, इधर भी क्या होगा M2D2H2, ये लिखने के बाद क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो सेम लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू दे रखी है कि 16 आदमी 14 घंटे 12 दिन, 16 आदमी 14 घंटे और 12 दिन। फिर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो बताइए आपको 28 आदमी 12 घंटे, 28 आदमी 12 घंटे और कितने दिन में कर देंगे, तो आपको दिन की वैल्यू यहाँ से पता होनी चाहिए, डायरेक्ट काट दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 14 से 28 कटेगा कितनी बार, 2 बार, 12 से 12 कट जाएगा, 2 का भाग 16 में दोगे तो 8, मैं कह सकता हूँ कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन के अंदर कर देंगे। शायद सबको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, MDH फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी पढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा सभी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्वेश्चन है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों कितने दिन में करेंगे मिलकर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इजी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 60। 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 30 का भाग 2 बार, मैं कह सकता हूँ दोनों मिलकर करेंगे तो रोज कितना काम करेंगे, 5, तो पूरे काम को करने में कितना समय लेंगे, 60 बट्टा 5, यानी कि 12 दिन का समय लेंगे, कितना आंसर आएगा, 12 दिन। ठीक है साथियों, जय हिंद, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर आऊँगा, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें यदि किसी भी पर्सन में आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, या विजु सर को आप कॉल करके बताइएगा कि सर रिपीट कीजिएगा, उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, जय हिंद।